क्या आप जानना चाहते हैं कि बीसी सखी योजना के अंतर्गत जो आपको 75,000 रुपये की राशि मिल रही है उस पर कितना ब्याज लग रहा है, यानी कि आपका जो 75,000 रुपये आपको डिवाइस ख़रीदने के लिए समूह के खाते में आ रहे हैं तो उस पर कितना आपको ब्याज देना होगा, कितने समय में आपको पैसा वापस करना होगा, इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं बीसी संबंधी जो बीसी सखी संबंधी योजना में आपको 75,000 रुपये की लोन मिल रही है, राशि मिल रही है, उस पर कितना ब्याज लगेगा, कब आपको वापस करना होगा। तो आज आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, एक आदेश जारी हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारी नोटिफिकेशन फर्जी सही जो भी है वायरल हो रही थी, तो आज की एपिसोड में हम आपको पूरा प्रमाणित न्यूज के साथ दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो हो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक गाइज, अभिनंदन है एक बार स्वागत के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रेषक मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर लखनऊ। तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है और इस पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो भीमा चित्रा नाम से वहां पर जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी भीमा चित्रा नाम से है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहें वहां पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर मिशन निदेशक की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है सेवा में उपायुक्त स्वतः रोजगार समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं 7 तारीख यानी कल की है, 7 जुलाई 2021 की अपडेट है। विषय यानी कि किस विषय में है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में NRLM बीसी सखी इक्विपमेंट प्लस ओडी संबंधी जो धनराशि है और मुक्त करेंगे, इसी के संबंध में है। तो चलिए महोदय से अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पपत्र संख्या 143 यानी कि /31 वगैरह वगैरह करके यहाँ पर दिया है। ये आपका दिनांक 4 मार्च 2021 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, और इसमें लिखा गया है साफ साफ, ये देख सकते हैं, सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर अन्य सहवर्ती उपकरण के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूजिंग थी कि आपका ब्याज कितने परसेंट लगने वाला है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि आपका 75,000 पे 4% का ब्याज लगेगा, यानी कि एक वर्ष में आपको 3,000 रुपये ब्याज देने होंगे। और ये राशि कब तक वापस करनी है इस चीज़ की भी वीडियो आपको, वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है एंड तक मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद में उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर मिशन मुख्यालय से बीसी सखी हेतु जनपदों में गठित स्वयं सहायता समूह से धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसके क्रम में साथ साथ 2021 तक कुल 99 यानी कि 9,932 स्वयं सहायता समूहों को 75,000 रुपये प्राप्ति समूह की दर से धनराशि प्रदान की गई है, यानी कि लगभग 10,000 स्वयं सहायता समूहों को धनराशि प्रदान की जा चुकी है। और यहां पर बीसी सखी के इक्विपमेंट ओडी हेतु ऋण के रूप में प्रदान की जा रही जो राशि है, उक्त धनराशि संबंध में निम्न बिंदु पर जनपद स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद के मैपिंग के आधार पर बीसी सखी इक्विपमेंट ओडी प्लस 75,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो समूहों में प्रदान की गई उक्त राशि है बीसी सखी के निर्धारण मापक के अनुसार आवश्यक इक्विपमेंट नामित बैंक एजेंट नियमानुसार क्रैक करने के लिए आपका माध्यम बीसी सखी से कार्य करना होगा। यहाँ पर और सारे बहुत इन्फॉर्मेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने का मतलब यही था कि आपका जो 75,000 है उस पे आपको 4% का ब्याज लगेगा। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं भानुचंद्र गोस्वामी जो मिशन निदेशक है, इनकी तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी और ये कल की ही अपडेट है गाइज। तो आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि सर जो है वीडियो बना दीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, हम काफ़ी कंफ्यूजिंग में हैं। तो ये देखिए अभी कल की ही अपडेट है और यहाँ पर आपको 4% की बात ब्याज की गई है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो गए होंगे और आपको ये सुनिश्चित हो गया होगा कि आपको 75,000 पर 4% का ब्याज देना है। अब बात करते हैं कि ये पैसा आपको देना कब है, तो ये पैसा आपको 2 वर्ष में देना है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये 4% वाली अपडेट सही है या गलत है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, आजकल बहुत ऐसे न्यूज वायरल हो रहे हैं जो कि फर्जी हैं। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन मैं इस इन्फॉर्मेशन को सही नहीं मानता। फिलहाल ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास भी आती है तो प्लीज़ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी कंफ्यूजिंग है। मैंने ऑलरेडी कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी 4% की कोई बात नहीं है, यानी कि 4% ब्याज लगने की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ जो वायरल हो रही है, जो अपडेट ये मेरे पास आई है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल ये इतना जानिए कि आपको 4% की जो अपडेट है, अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है, जो मैंने कर्मचारियों से बात किया है, वहाँ तक अभी 4% का कोई प्रावधान नहीं था। अब अगर ये जल्द में कोई अपडेट आई होगी तो इसकी पुष्टि हम करके आपको जल्द ही सूचना प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली हो तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करिएगा और बताइएगा सर ये नोटिफिकेशन मुझे मिल चुका है। आई थिंक मैं ये नहीं कहता कि आपका 4% ब्याज लगने लगा है, फिलहाल इसमें तो यही लिखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा डाउट्स है, इसकी पुष्टि हम अगले वीडियो में कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।